दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीएससी के वैलेट में आप पैसा कैसे ऐड कर सकते हैं और मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए जिसे आप सीएससी की सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं। मिनिमम बैलेंस ना होने पे आपको एरर दिखाएगा, इसलिए आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मिनिमम बैलेंस कितना रहना चाहिए और सीएससी के वैलेट में आप पैसा कैसे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने सीएससी डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाना है और यहाँ पे आपको कई ऑप्शन मिलेंगे, डैशबोर्ड, सर्विस, वैलेट और पासबुक से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको वैलेट में जाना है और यहाँ पे वैलेट में जाने के बाद आपको ऐड मनी वाला जो ऑप्शन है, ऐड मनी पे जस्ट क्लिक करेंगे। और ऐड मनी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए हैं, जैसे पेमेंट गेटवे, NEFTIS, DigiPay, आप अलग अलग तरह से पैसे यहाँ पे डाल सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग का ऑप्शन दिया है और उस पर अलग अलग चार्जेस भी हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आप पेयू मनी से करते हैं तो 0.64% का आपको चार्ज लगेगा, जबकि HDFC PG से करेंगे तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके इसमें पैसे ऐड करते हैं तो आपको आपके ट्रांजेक्शन पर 0.89 का चार्जेस यहाँ पे लगेगा। और इसके बाद अगर आप नेट बैंकिंग के द्वारा इसमें पैसे डालते हैं तो पर ट्रांजेक्शन का आपको 3 रुपए लगेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम पैसे डाल लेते हैं दोस्तों। अगर आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है तो आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अदरवाइज आपके पास कोई UPI एप्लीकेशन है जो आप अपने मोबाइल में यूज़ करते हैं, उसका यूज़ करके आप इसमें पैसा ऐड करना चाहते हैं तो आपको जस्ट यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया है, ऐड मनी टू वैलेट यूजिंग अदर PG, जैसे हम क्लिक करेंगे और हम आगे जाएंगे। कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा और हमारे पास टाइम है दोस्तों यहाँ पे 5 मिनट्स का। तो 5 मिनट के अंडर में आपको ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लेना है। सबसे पहले आप यहाँ पे अमाउंट इंटर करेंगे, यहाँ पे आप रिमार्क्स देंगे, जैसे किसी भी तरह का, मतलब आप यहाँ पे एक मैसेज टाइप का लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे रिचार्ज कर रहे हैं वैलेट को, तो हम रिचार्ज लिखेंगे और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही दोस्तों ये जो नया पेज ओपन होगा वो कुछ इस तरह होगा कि चूज द पेमेंट ऑप्शन, आपको ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट करना है, क्रेडिट, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग या UPI का। तो हमको यहाँ पे UPI यूज़ करना है और UPI का यूज़ करके हम यहाँ पे वैलेट में 100 रुपीज़ को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे UPI वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अब आपके मोबाइल में कौन सा UPI का एप्लीकेशन है वो आप यहां से सिलेक्ट करेंगे। चूँकि हम यहां पे फ़ोन पे यूज़ करते हैं तो हम यहां पे फ़ोन पे सिलेक्ट करेंगे और यहां पे फ़ोन पे की UPI ID देंगे और इस तरह से प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो आप अपने मोबाइल में जो भी UPI एप्लीकेशन यूज़ करते हैं उस पे एक नोटिफिकेशन जाएगा जिस पे आप ओके पे क्लिक करके आप इसकी रिक्वेस्ट को 100 रुपीज़ पेमेंट कर देंगे और ये पेज रीडायरेक्ट हो जाएगा। इस पे आपको कुछ भी कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, अदरवाइज आपका जो पेमेंट है वो कैंसिल हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टॉपअप जो है हमारा 100 रुपीज़ सक्सेसफुल हो चुका है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है और ट्रांजेक्शन की ID वगैरह ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगी। समरी देखना चाहते हैं दोस्तों तो आप यहाँ पे समरी देख सकते हैं, यहाँ पे 110 रुपीज़, जो कि मैंने 10 रुपीज़ पहले ऐड किए थे। और यहाँ पे आप अपना बैलेंस ट्रांसफ़र, रिचार्ज हिस्ट्री, ये सभी चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं।